टू माई चैनल कंसेप्ट इन डिटेल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज हम करेंगे अपना थर्ड चैप्टर, दैट इज़ सेंसेस एंड सैम्पल मैथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है, अब हम करेंगे कि जो हमारा डाटा को हम कलेक्ट करते हैं वो बेसिकली टू मैथड्स में करते हैं, दैट इज़ सेंसेस एंड सैम्पलिंग मैथड। ठीक है, तो इसमें हम अब डिटेल में पढ़ेंगे कि सेंसेस मैथड क्या होता है, उसमें हम डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं। देन सेकेंड होता है सैम्पल मैथड, और सैम्पल मैथड में जो है हम अपना डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं। बेसिकली काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इस दोनों वर्ड से जो है वो अवेयर होंगे कि सेंसेस मैथड में हम डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं और सैम्पल में कैसे कलेक्ट करते हैं, है ना। सो जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ, सेंसिस वो होता है जो बेसिकली हर 10 ईयर के बाद जो है, जैसे एक मेन अच्छी एग्जांपल है सेंसिस मेथड की, वो है कि जो हम पॉपुलेशन जो है अपनी सेंसिस करते हैं कि हमारी कितनी पॉपुलेशन जो है इंक्रीज़ हुई आफ्टर एवरी 10 ईयर, तो वो हम सेंसिस मेथड से करते हैं। सैम्पल मेथड की पूरी एंटायर पॉपुलेशन में से हम कुछ कुछ सैम्पल्स निकाल लें डिफरेंट डिफरेंट एरिया के या डिफरेंट डिफरेंट कल्चर कैटेगरी के, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सैम्पल। जो 3 सैम्पल जो हमने या 2 निकाले वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करें या पूरे हमारी ग्रुप को रिप्रेजेंट करें, उसे हम बोल देते हैं सैम्पल मेथड्स। ठीक है, तो वो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमने जल्दी से जल्दी जो है 1K कंप्लीट करवाने हैं। ठीक है, सो सबसे पहले इंट्रो में स्टार्ट करते हैं। हम इंट्रो में हैं कि देयर आर 2000 स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज। ठीक है, एक कॉलेज में जो है आपके 2000 स्टूडेंट हैं, और इन्वेस्टिगेटर चाहता है कि वो डाटा कलेक्ट करे कि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड जो है वो कैसा है। ठीक है, तो उसके कहते हैं उसके पास 2 पॉसिबल वेज हैं कि डाटा कलेक्ट करने के लिए। फर्स्ट जो है वो डाटा कलेक्ट कर सकता है एक तो सेंसस मैथड से, सेकेंड वो कलेक्ट कर सकता है सैम्पल मैथड से। ठीक है, तो कहते हैं स्टैटिस्टिक्स में जो है जब हम पूरे 2000 लोगों के पास जाकर जो है डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसे हम बोल देते हैं सेंसेस मेथड। ठीक है, और कहते हैं जब 2000 में से हम सिर्फ कुछ ही लोगों को जो है कुछ ही लोगों को हम चूज़ कर लेते हैं या उनका सैंपल ले लेते हैं सम स्टूडेंट्स का, ठीक है, जो कि पूरे 2000 जो है लोगों को रिप्रेजेंट करता है, उसे हम बोल देते हैं सैंपल मेथड। ठीक है, तो कहते हैं इस चैप्टर में अब आप फोकस करोगे इन दो टॉपिक पर ही कि कैसे जो है क्या क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, क्या सूटेबिलिटीज़ हैं। ठीक है, सो आई होप ये आपको इंट्रो समझ लगी होगी। अब हम करते हैं इनके डिटेल्ड में मीनिंग और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो फर्स्ट टॉपिक है वो बोल रहे हैं कि जो स्टैटिस्टिक्स है, वैसे काफ़ी इन्होंने डिटेल में लिखा है, आपको इतना ज़्यादा जो है लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज काफ़ी सारी इन्होंने जो है अननेसेसरी चीज़ें जो है वो लिखी हैं कि जिसको बार 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 इन्होंने रिपीट किया है। आपने चैप्टर की लेंथ देख के जो है घबराना नहीं है, ये टॉपिक की लेंथ देख के घबराना नहीं, आपने बस जो है मेन मेन पॉइंट्स करने हैं, दैट इज़ इट। ठीक है, अब इसमें भी इन्होंने काफ़ी जो है लेंथी बना दिया है इस टॉपिक को भी, आपने बस छोटा सा लिखना है। इसमें भी कह रहे हैं कि जो स्टैटिस्टिक्स है सिंपली रेफर, जो मतलब इन स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, कहते हैं कि जो पॉपुलेशन इज सेंसिस मेथड है, सेंसिस मेथड जो है किसको रिप्रेजेंट करता है, पॉपुलेशन को, है ना। कहते कि बट जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें जो है पॉपुलेशन का मीनिंग थोड़ा डिफरेंट है। ये नहीं है कि पॉपुलेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ कि जो है कितने लोग बढ़ रहे हैं, कितने लोग कम कर रहे हो रहे हैं, बल्कि स्टैटिस्टिक्स में बोल देते हैं पॉपुलेशन और यूनिवर्स का मतलब हो जाता है एग्रीगेट्स ऑफ आइटम, जैसे कोई भी चीज़ की जो है ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल अब इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है, 10 इंडस्ट्रीज़ हैं, तो 10 इंडस्ट्रीज़ का क्या है ग्रुप है, तो मैं इसको क्या बोल दूँगी स्टैटिस्टिक्स में कि 10 इंडस्ट्रीज़ की क्या है ये पॉपुलेशन है। ठीक है, तो यह 10 इंडस्ट्री का यूनिवर्स है। तो बेसिकली सिर्फ पॉपुलेशन हमारी जनसंख्या को लेकर नहीं हम बोल देते हैं कि जिस भी चीज़ की एग्रीगेट, जिस चीज़ का ग्रुप ऑफ आइटम के साथ हम डील कर देते हैं स्टैटिस्टिक्स में, हम उसको क्या बोल देते हैं यूनिवर्स और पॉपुलेशन। तो आगे आप चलकर अगर कहीं पर भी वर्ड एग्रीगेट्स के रिलेटेड आप अगर देखोगे तो वहाँ पर आप पॉपुलेशन का ही वर्ड जो है साथ में देखोगे। ठीक है, तो आगे कहते हैं इन स्टैटिस्टिक्स द टर्म पॉपुलेशन मीन्स एग्रीगेट्स ऑफ ऑल आइटम्स। ठीक है, इजी लैंग्वेज में लिखा है कि पॉपुलेशन का मीन है कि एग्रीगेट्स ग्रुप ऑफ ऑल द आइटम्स विच वी वांट टू फ्रॉम विच वी वांट टू इन्फॉर्मेशन, जिससे भी हम आगे चल के अब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने वाले हैं। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल 2000 स्टूडेंट्स हैं आपके पर्टिकुलर कॉलेज में, एडमिशन हो रही है, और 2000 वुड बी टेकन एज अ यूनिवर्स, और ये पूरे के पूरे 2000 स्टूडेंट्स जो हैं वो एज अ पॉपुलेशन ट्रीट किए जाएंगे, क्योंकि ये एग्रीगेट्स ऑफ द आइटम है ना। फर्दर उन्होंने एक और एग्जांपल दे दिया है कि जैसे 10 शुगर मिल्स की हम अगर कोई इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहे हैं, तो वो 10 जो शुगर मिल्स हैं वो क्या ट्रीट किए जाएंगे, एज अ पॉपुलेशन ट्रीट किए जाएंगे। इस एग्जांपल के, ये इतनी बड़ी एग्जांपल आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपने इसके, या अगर आप ये डायग्राम बना दोगे तो चलो अच्छी बात है। ठीक है, क्या किया है उसने, क्या किया है, एक डायग्राम बनाया है, आपको इसमें जो है क्लैरिटी मिल जाएगी कि सैम्पल क्या होता है और सेंसेस क्या होता है। उसने क्या किया, यहाँ पे एक टेबल बनाया है या फिर फिगर बनाई है, इसमें क्या किया है उसने एक
इस पॉपुलेशन को उसने इसमें इकट्ठा किया हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये पूरी पॉपुलेशन है हमें ना, क्योंकि सारे लोग हैं तो इसमें ये सारी पॉपुलेशन है, ठीक है। और इसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट, अभी एक सारी पॉपुलेशन एक जैसी तो होगी नहीं, है ना। एग्जाम्पल एक उन्होंने सिख कैटेगरी के निकाल लिए, एक मुस्लिम और एक हिंदू कैटेगरी के उन्होंने जो है सैंपल निकाल लिए पूरी पॉपुलेशन में से फॉर देयर इन्वेस्टिगेशन। तो इस जो एग्जाम्पल उन्होंने बेसिकली आपको डिफरेंस बताया कि पॉपुलेशन क्या होती है और सैंपल क्या होता है। पॉपुलेशन जो होगी हमारी, ये सारी एंटायर जो पॉपुलेशन है इसका सैंपल, इसका जो हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इसमें जो है हम पूरी पॉपुलेशन को जो कंसीडर करेंगे, हर एक जो है कास्ट रिलीजन को हम कंसीडर करेंगे। बट सैंपल में क्या होगा, हम सारी पॉपुलेशन के साथ डील करने के बजाय हम क्या करेंगे, उन सारी पॉपुलेशन में से मेनली हम तीन जो है अपनी कैटेगरीज निकाल लेंगे जो कि पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। तो ये होता है सैंपल और ये होती है जो है सेंसस, ठीक है। सेंसस में हम पूरी पॉपुलेशन के साथ डील करेंगे और सैंपल में हम उस पॉपुलेशन के पार्ट के साथ डील करेंगे, ठीक है। जैसे इन्होंने साइट पे भी बड़ी अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है, कहते हैं आपको जो है जब सैंपल होगा, सैंपल जो होता है कहते हैं इज़ ओनली पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। ये सिर्फ एक पार्ट ही है ना पॉपुलेशन का, पूरी पॉपुलेशन तो नहीं है ना। तो कहते हैं हम पूरे इसके जो है सिर्फ पार्ट्स को जो है इसमें स्टडी करेंगे, जो क्या करेगा अपनी एक कैटेगरी को अच्छे से रिप्रेजेंट करेगा, सारे उसके कैरेक्टरिस्टिक सेम ही होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब मैंने एक मुस्लिम कास्ट की जो है बंदे को निकाल लिया है ना, बट उसके जो कल्चर होगा, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, उसके रूल्स होंगे, जो उसके रिलीजन को लेकर, वो सारे क्या, वो अपने सारे मुस्लिम को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो इसलिए मैं बोल सकती हूँ कि हाँ ये होती है हमारी सैम्पलिंग और ये होता है हमारा सेंसेस मेथड। तो आई होप ये आपको समझ लगा होगा। आपने इतना सारा कुछ नहीं लिखना, बस आपने इतना ही यहाँ पे जो है एग्जांपल लिख देनी है, ठीक है। ये देखो जैसे जो इसमें इन्होंने लिखा हुआ है ना, आपने बस वही यही चीज़ बस आप एक्सप्लेन करना, आपने इतनी ज़्यादा लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसमें जो है मेनली इन्होंने सैम्पल के बारे में आपको बता दिया। ये फिगर आप बना लेना क्योंकि ये आपका जो पेपर है वो अच्छे से प्रेजेंटेबल लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम करेंगे मेथड्स ऑफ स्टैटिकल इंक्वायरीज, ठीक है। तो अब दो तरह के होते हैं, ठीक है, मेथड ऑफ सैम्पलिंग इंक्वायरी, दैट इज़ फर्स्ट वन इज सेंसेस मेथड एंड सेकंड वन इज सैम्पल मेथड। अब जो है हमने सेंसेस और सैम्पल को जो हमने पढ़ा, हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब सेंसेस मेथड क्या होता है, आपने वही चीज़ें लिखनी है जो आपको ऊपर बताई हैं, ठीक है। जैसे देखो सैम्पल मेथड क्या होता है, कहते हैं सैम्पल मेथड इज दैट मेथड इन विच आप क्या करते हो, कलेक्ट करते हो और कवर करते हो एवरी आइटम, हर एक चीज़ को आप कवर करते हो और उसको कलेक्ट करते हो ऑफ द यूनिवर्स और पॉपुलेशन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल दे देना, जिस भी चीज़ के रिगार्डिंग आप अपने इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, आप उसके रिगार्डिंग सारी आइटम जो है उसको कंसीडर करोगे, उसको कलेक्ट करोगे, उसको एनालाइज करोगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अब टेन इंडस्ट्रीज़ के बारे में आपने जो है अपना स्टैटिस्टिक्स तैयार किया है, तो आप क्या करोगे, वो पूरी की पूरी टेन इंडस्ट्री को आप कंसिडर करोगे, उसमें कितने वर्कर्स हैं, क्या वर्कर की होप्स है, कितनी उनको वेजेस मिलती हैं, एक एक वर्कर्स से जो है आप जाके डील करोगे। उन्होंने एग्जाम्पल दिया बड़ी अच्छी, उन्होंने कहा है कि जैसे आप उन्हें सोचो, आप अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी है कि पूरी जो मारुति कार है वो इंडिया में कितनी सोल्ड हुई, मतलब किस किस कलर की जो है वो सोल्ड हुई, तो आपने इस पर क्या करना है, सेंसिस करना है। तो आप क्या करोगे, आप इंडिया में जाके सारी चीज़ का पूरा डाटा कलेक्ट करोगे कि मारुति की कार कितनी थी और वो कौन कौन सी कार जो है वो इंडिया में सोल्ड हुई, एवरी कलर को आप जाके इन्वेस्ट करोगे, कलेक्ट करोगे पूरा डाटा। ये नहीं आप बीन लिया, आपने एक रेड उठाई, एक ब्लू उठाई और एक वाइट उठा ली, ठीक है, तो आपने बस उनको स्टडी किया, तो ऐसा नहीं होगा। आपको हर एक, क्योंकि उन्होंने पर्टिकुलर बोल दिया कि आपको हर एक कलर का जो है इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी कि कितनी कलर की कार जो है वो सोल्ड हुई, तो आप तीन सैंपल निकाल के तो अपने डाटा पर अपनी स्टैटिस्टिक्स नहीं बना पाओगे, है ना। तो इस तरह से ये सेंसेस होता है कि आपको हर एक चीज़ जो है वो कलेक्ट करनी ही पड़ेगी। बोला है कि जो सेंसेस होता है वो हर एक जो है जो पॉपुलेशन सेंसेस होता है वो हर एक 10 ईयर के बाद होता है, और जो लास्ट टाइम इंडिया में हुआ था वो हुआ था फेब्रवरी 2011 में, जिसमें हमें पता लगता है कि हर 10 साल के बाद कितनी पॉपुलेशन जो है हमारी इंक्रीज़ हो चुकी है। देन है अब सूटेबिलिटी। अब ये जो सेंसस मेथड है वो कहाँ कहाँ पे सूटेबल होता है, तो फर्स्टली ये सूटेबल होगा जहाँ पे जो स्मॉल एरिया ऑफ पॉपुलेशन होगा, जहाँ पे साइज़ जो है पॉपुलेशन का स्मॉल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिर्फ एक बंदे को भेज दूँ पूरा इंडिया का जो तो है जाके सेंसस करके आ, तो वो नहीं कर पाएगा, आगे कितने सारे और बंदे जो हैं वो डिवाइड किए जाते हैं सो दैट कि वो अपने स्मॉल एरिया पर जो है अच्छे से जो है वो कवर कर सकें। सेकेंड है वाइडली डाइवर्स आइटम इन द पॉपुलेशन, तो ये वहाँ पे सूटेबल होगा जहाँ पे डाइवर्सिटी, अलग अलग पॉपुलेशन के लोग हों, डाइवर्सिटी हो लोगों में। नेक्स्ट है इसमें जो है हमें इंटेंसिव पूरी डीपली जो है एग्जामिनेशन करना पड़ता है हर एक चीज़ों का,
आगे है, इसमें जो है हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होती है, क्यों, क्योंकि इसमें खुद जो है हर एक इंसान जाकर, हर एक पर्सन जाके हाउस टू हाउस जाकर जो है रिस्पोंडेंट से बात करता है, उनसे खुद जाकर जो अपनी सारी इन्वेस्टिगेशन करता है, तो इसमें जो है एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी ज़्यादा होगी। देन है मेरिट्स, मेरिट्स में क्या है, फर्स्ट वन इज़ ये जो है रिलायबल होगा, है ना, क्योंकि इसमें जो है एक्यूरेसी ज़्यादा, रिलायबिलिटी भी ज़्यादा है, तो इसमें हम खुद जाके कलेक्ट करते हैं, तो ये आप इसका अलग अलग पॉइंट भी बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पॉइंट बना दो रिलायबल, तो आप ये बता देना कि रिलायबल होगा क्योंकि खुद जाके पर्सन हाउस टू हाउस जाके कलेक्ट करता है, देन ये रिलायबल है इसलिए ये डाटा जो है एक्यूरेट भी होगा, ये डाटा एक्यूरेट है इसलिए ये डाटा रिलायबल भी होगा। सेकेंड है लेस बायसनेस होती है, क्योंकि मेरे सामने वाले के साथ कोई भी जो है डायरेक्ट कोई भी लिंक नहीं होता, तो मुझे कोई लेना देना नहीं होता कि मैं इसके लिए ये चीज़ें गलत लिख लूँ, ये चीज़ें सही लिख दूँ, तो इसमें जो है बायसनेस की जो चांसेस है वो कम होते हैं, क्योंकि सामने वाले के साथ हमारा कोई लिंक नहीं होता या हमारे कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं होते जो मैं गलत चीज़ इन्वेस्टिगेट करूँगी, है ना, मैं बायसनेस बड़ी कम होंगी। थर्ड, एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन चाहिए इसमें, क्यों, क्योंकि इसमें जो है हर एक चीज़ को हमने अच्छे से स्टडी करना होता है, है ना, तो जिसकी वजह से क्या होता है हमें, मुझे जो है इसमें एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन मतलब पूरी डीपली जो है हर एक चीज़ को मैंने कंसीडर करना होता है, तो इसमें जो है मुझे ज़्यादा से ज़्यादा डीपली इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है और हर एक चीज़ों को ध्यान पे रखते हुए जो है मुझे इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं अब मैंने पॉपुलेशन के ऊपर सेंसस तैयार करना, तो मुझे हर एक चीज़ को जो है कंसीडर करना पड़ेगा कि वो उसकी जो है एज कितनी है, ठीक है, उसमें कितने, उसके कितने फैमिली मेम्बर्स है, उसकी सेक्स कंपोजिशन कैसी है, ठीक है, देन उसके एजुकेशन कैसी है, उसका स्टेटस कैसा है, एक चीज़ जो है वो मुझे कंसीडर करनी पड़ेगी। फोर्थ पॉइंट इज स्टडी ऑफ डाइवर्स करेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि पॉपुलेशन में काफ़ी सारी जो है डाइवर्सिटी पाई जाती है, तो मुझे वो हर एक डाइवर्सिटी जो अलग 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 चीज़ें हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, मुझे वो हर एक की स्टडी करनी पड़ती है। फिफ्थ पॉइंट है स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन, इसमें जो है क्योंकि सेंसिस है ना, पॉपुलेशन का सेंसिस करना है, तो आपको करोड़ों लोगों के साथ डील करना है, करोड़ों लोगों की इन्फॉर्मेशन के साथ डील करना है, तो क्या होगा, हमें इसमें हर एक चीज़ के साथ डील करना पड़ता है, उनके छोटे से छोटे फैक्टर्स को भी हमने कंसिडर करना होता है, तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, तो इसमें सेंसस में अगर हमने देखना हो कि हमें पूरी डीपली कॉम्प्लेक्स तरीके से अगर स्टडी करनी है, तो हम क्या करेंगे, सेंसस मेथड को ऑप्ट करते हैं, क्योंकि इससे जो है हमें अच्छे से नॉलेज मिल जाती है, पूरे कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स की भी जो है वो नॉलेज मिल जाती है या फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है। फिफ्थ पॉइंट जो फाइव पॉइंट्स है ना, वह सिक्स पॉइंट आप रहने देना। डीमेरिट्स में क्या होगा कि ये क्या होगा, कॉस्टली होगा ना, जैसे मैंने बताया, क्योंकि आपको जो है काफ़ी सारे लोग जो है अपॉइंट करने पड़ेंगे, अब उसको जो है फीस भी देनी भी पड़ेगी और खुद जाके, ठीक है, सारा कुछ करना पड़ता है कलेक्ट हाउस टू हाउस जाके, तो ये एक तो कॉस्टली होगा, दूसरा इसमें लार्ज मैन पावर, जैसे मैंने बताया लेबर इस पर ज़्यादा चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ सिंगल पर्सन का काम नहीं है। नॉट सूटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशन, कि अगर जो आपने काफ़ी बड़े एरिए पे जाके इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो ये काफ़ी, तो कहते ये सक्सेसफुल नहीं होगी, क्यों, क्योंकि इसमें जो है हमने काफ़ी सारे फैक्टर्स जो है कंसिडर करने पड़ते हैं, तो ये लार्ज जो है एरिया या पॉपुलेशन के लिए ये अच्छा नहीं होगा, हमें अगर स्मॉल स्मॉल एरिया में डिवाइड कर दिया जाए तो जाकर ये सेंसिस मेथड है वो इजीली जो है इन एक्यूरेट और रिलायबल वे में जो है ये सक्सेसफुल होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ सिंपल सैम्पल मेथड। तो सैम्पल मेथड में क्या होगा, सैम्पल मेथड में अब हम क्या करते हैं अपना डाटा कलेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम सैम्पल दैट इज़ टेकन आउट फ्रॉम द ग्रुप्स, मींस कि जो ग्रुप है हमारा, जो हमारी पॉपुलेशन है या जो हमारा यूनिवर्स है जिसमें हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है, उसमें से हमने कोई पूरी क्लास में से हमने ये पूरे तीन बस सैम्पल निकाले और इन तीनों के ऊपर जो है अब हमने स्टडी करनी है, तो वो होता है हमारा सैम्पल मेथड। इन्होंने बड़ी अच्छी एक एग्जाम्पल दी है, उन्होंने कहा है कि जैसे देखो कि अब जो है अपनी डे टू, अब कहते हैं हम जो है सैम्पल मेथड जो है अपना डे टू डे लाइफ में जो है परफॉर्म करते रहते हैं, कैसे, फॉर एग्जांपल कहते हैं एक किचन है, अब किचन में जो है एक लेडी काम कर रही है और उसने जो है या चावल जो है बनाने के लिए राइस को कुक करना शुरू किया है, ठीक है, अब वो क्या करेगी, अब पूरे जो है इस पैन में जो सारे के सारे राइस हैं वो क्या एक एक को उठा कर देखेगी कि वो बॉयल हो चुकी हैं कि नहीं हुए, नहीं ना, वो क्या करेगी ऊपर वाली लेयर में से क्या करेगी, टू टू थ्री जो है राइस निकालेगी
को ही दिखेगी कि हाँ ये चीज़ बॉयल, ये राइस बॉयल हो चुके हैं कि नहीं बॉयल हुए। तो अगर तो वो राइस बॉयल हो चुके हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, पूरे के पूरे राइस बॉयल हो चुके हैं। अगर वो नहीं होंगे मीन्स अभी वो कुक अच्छे से नहीं हुए हैं। तो ये होता है सैम्पल मेथड कि पूरे के पूरे उसने राइस उठाकर नहीं देखे, एक राइस को उठाकर नहीं देखा, बल्कि उसने तीन का सैंपल निकाला और उन तीन सैंपल्स को ही उसने क्या किया, एग्जामिन किया कि हाँ ये चीज़ हो गई है कि नहीं हुई है। तो ये होता है सैंपल मेथड। एक उन्होंने और एग्जाम्पल दिए, दूसरे एग्जाम्पल में उन्होंने कहा है कि डॉक्टर जो है हमारा ब्लड टेस्ट करता है ना, ब्लड टेस्ट करने के लिए वो क्या करेगा, कुछ हमारे ब्लड टेस्ट करने हैं तो वो क्या करेगा, ब्लड की फ्यू ड्रॉप्स जो है उसका टेस्ट लेता है ना। ये नहीं कि आपके आपकी बॉडी का पूरा ब्लड निकाल के चेक करता है, वो क्या करता है आपके कुछ ब्लड सैंपल लेकर उससे जो है आपकी सारी प्रॉब्लम्स को इन्वेस्टिगेट करता है, अगर मैं इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बोलूँ, है ना, या फिर एग्जामिन करता है। अब ये वाला जो मेथड है कहाँ कहाँ सूटेबल करता है, अब ये कहते हैं ये वाला मेथड वहाँ वहाँ सूटेबल है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है वो जो हमारा सेंसिस मेथड था, वो उसमें जो क्या करते थे, हमारी जो लार्ज एरिया पे है वहाँ पे वो कवर नहीं करता था, बट यहाँ पे क्या करेगा, ये लार्ज एरिया पे वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि हमने होल सैंपल, होल जो ग्रुप पे है उस पर वर्क नहीं करना, हमने सिर्फ और सिर्फ थोड़े से सैंपल पर वर्क करना है। तो इसलिए हम जो है पूरे जो है अपना एरिया इन्वेस्टिगेशन, अगर हमारा एरिया लार्ज है तो हम ये वाला मेथड ऑप्ट कर सकते हैं। सेकेंड, इसमें हाई डिग्री मतलब एक्यूरेसी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम जो है पूरा जो है अपना ग्रुप वो इन्वेस्टिगेट किया, उसको जो है हम पढ़ नहीं रहे। नेक्स्ट है इंटेंसिव एग्जामिनेशन, इसमें जो है नहीं रिक्वायर्ड होती। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ सैंपल्स के साथ ही डील करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कहते हैं ये मेथड सिर्फ वहीं पे वर्क करेगा जहाँ क्या हो, यूनिट्स जो हों, जो यूनिवर्स के वो सिमिलर हों। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे ऊपर हमने राइज की एग्जाम्पल ली, तो सारे राइज एक जैसे से उसे पता है ना, ये सारे राइज वो जहाँ से भी निकाल के डाल रही थी इस पैन में, उसे पता था कि ये सारे राइज बासमती, फॉर एग्जाम्पल, तो सारे राइज बासमती है। अगर कोई और तरह के राइज होते, एग्जाम्पल अगर मैं ब्राउन राइस भी इसके बीच में डाल दूं, तो उसको क्या करना पड़ेगा, ब्राउन राइस को भी टेस्ट करना पड़ेगा और वाइट राइस, बासमती राइस को भी टेस्ट करना पड़ेगा। बट अगर वो सिर्फ सिमिलर एक ही तरह के जो है वो राइस यूज़ कर रही हैं, तो क्या होगा, उसको सिर्फ तीन सैंपल से ही एस्टिमेट हो जाएगा कि हाँ ये चीज़ सही हो गई है, ये चीज़ कुक हो गई है। बट अगर मैंने किसी और टाइप के चावल भी राइस भी बीच में मिक्स किए हैं, तो हमारा सैंपल मेथड क्या होगा, वहाँ पर रॉन्ग जो है प्रूव होगा। इसलिए जो है कहते हैं यूनिट जो हम यूज़ कर रहे हैं वो सिमिलर हों। अब इसके मेरिट्स क्या क्या हैं, ठीक है, फर्स्ट मेरिट इज़ ये इकोनॉमिकल है, क्योंकि हमें जो है इसमें हमारा ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं लगती है ना, क्योंकि हमने सिर्फ सैंपल्स पे ही डील करना होता है, इसलिए हमारा इतना कॉस्ट नहीं लेता। टाइम सेविंग है ना, क्योंकि हमें जो है सिर्फ कुछ सैंपल पर वर्क करना पड़ता है, क्योंकि अगर हमने होल यूनिवर्स पर वर्क करना है तो वो हमारा ज़्यादा टाइम लेगा, यहाँ पर हमें हाउस टू हाउस जाके इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी पड़ती। अब थर्ड पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर, जो है इसमें जो है हमें ईजिली जो है पता चल जाते हैं, क्योंकि इसमें एरिया जो है वो एरिया ऑफ इंफॉर्मेशन है ना, इंफॉर्मेशन का एरिया काफ़ी जो है कम होता है। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ सैंपल्स पे डील करना है, तो जो जो हमें मिस्टेक पता चलती है हमें साथ साथ उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है इसका जो एरिया है वो उस इतना ज़्यादा नहीं होता। नेक्स्ट है मतलब एरिया इन द सेंस वैसे साइज ज़्यादा होता है, बट उस पर जो हमने काम करना है वो एरिया कम होता है। लार्ज इन्वेस्टिगेशन, अब इसमें जो है हमें लार्ज इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, जितनी हमें सेंसिस मेथड में जो है लार्ज इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है, उतना जो है हमें इस मेथड में, सैम्पल मेथड में, इतनी जो है वो हमें इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी पड़ती। फिफ्थ है एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, अब इसमें क्या हो सकता है, कहते हैं कि आप अपने आगे और लेबर रखकर उनसे काम करवा सकते हैं और आप उनको बैठ के एडमिनिस्ट्रेटर ईजिली कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इतना वर्क लोड नहीं होता। 5 पॉइंट्स इनफ है, 6 पॉइंट आप रहने देना, ठीक है। अगला है डीमेरिट, डीमेरिट है कि इसमें जो है पार्शियलिटी या बाइसनेस हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल अब मेरी एक क्लास है, क्योंकि आप देखते होंगे ना क्लास में कई बार ऐसा होता है टीचर जो है हमेशा बाइसनेस करते हैं, जो उनके फेवरेट स्टूडेंट हो या उनको जो ना थोड़ी इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, टीचर हर टाइम बाइसनेस करते हैं स्टूडेंट के साथ, है ना। तो फॉर एग्जांपल अब ये पूरी क्लास है ना, क्लास में यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, और मैं समझो आपकी क्लास टीचर हूँ, मैं आई बार से मैंने बोला कि ना कंपटीशन होना है, आगे आपने जो है स्पीच देनी है। अब हो सकता है कि जो बच्चे इतना अच्छा नहीं पढ़ते पर वो स्पीच देना चाहते हों, ये थोड़ी जो बच्चे अच्छे पढ़ते नहीं है वो किसी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भी वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, है ना। पर मैं क्या करूँगी, मैं सिर्फ उन्हीं को ही आगे लेके चलूँगी जो मेरे फेवरेट है, जो मुझे पता है कि हाँ ये इंटेलिजेंट है ये, तो मैं अपने हिसाब से क्या करूँगी, अपनी मर्ज़ी ये तीन बच्चे उठा के फर्स्ट रो वाले, है ना, क्योंकि फर्स्ट रो वाले टीचर्स को बड़े अच्छे लगते हैं, तो फर्स्ट रो वाले को मैं उठा के ले जाऊंगी।
बट पीछे वाले क्या पता जो लास्ट बेंचर है या मिडल बेंचर है वो भी अच्छा स्पीच कर सके, पर नहीं, मैं यहाँ पे क्या हुई, मैं यहाँ पे बायस्ड हुई क्योंकि मैंने बाकी बच्चों को मौका दिया ही नहीं, मैंने एक बारी उनको जो है उनसे सुना ही नहीं कि वो कैसे स्पीच दे सकते हैं। तो कहते हर बारी क्या हो सकता है कि सैम्पल कलेक्ट कर, हर बारी ऐसे हो सकता है कि सैम्पल कलेक्ट करने के टाइम पे जो जो इन्वेस्टिगेटर है वो बायस हो जाए। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट है रॉन्ग कंक्लूजन। तो कई बार कहते हैं रॉन्ग कंक्लूजन में निकल सकता है, क्यों, क्योंकि जो हमने सैंपल है वो क्या पता वो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग सूटेबल ना हो। थर्ड पॉइंट है डिफ़िकल्टी इन सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स। कहते कई बार क्या हो जाता है कि एंटायर पॉपुलेशन से जब हम कोई भी सैंपल निकालते हैं या सिलेक्ट करते हैं तो कई बार हमारे ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग वो अपने आप को रिप्रेजेंट करने वाला नहीं होता। डिफ़िकल्टी इन फ्रेमिंग सैंपल। तो कहते कई बार क्या होता है कि जो इतनी सारी डाइवर्सिटी पाई जाती है पूरे पॉपुलेशन में, तो जो हमारा हमारा सैंपल होता है उसको फ्रेम, उसको अपने ऑब्जेक्टिव के अंडर उसके अकॉर्डिंग फिट करना कई बार क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, अब फिफ्थ पॉइंट है इसकी कि आगे जो है हमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए इसके लिए, क्योंकि सैंपल जो है एकदम से बंदा क्लिक करके जो है अपना वो सैंपल उठा ले, इसके लिए वो बंदा एक्सपीरियंस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ऊपर राइस की जो है एग्जाम्पल ली, ठीक है, तो उसने जो है ईजिली उसको पता चल गया सैंपल उठा के कि हाँ ये वाले राइस कुक हो चुके हैं, ये वाले राइस कुक नहीं हो चुके। और कोई बंदा ऐसा जो राइस उठा के देखे जिसने अभी राइस कभी बनाए ही नहीं है, उसको क्या पता चलेगा कि कौन से सैंपल अच्छा है कौन से सैंपल अच्छा नहीं है। तो इसलिए कहते हैं स्पेशलाइज नॉलेज होनी चाहिए सैंपल सैंपल को पिक करने की या सैंपल को सिलेक्ट करने की। अब आगे है एसेंशियल ऑफ सैंपल्स। अब इसमें जो है ये आ जाता है कई बार 3 to 2 मार्क्स में कि जो सैंपल है वो उसमें क्या क्या जरूरत वाली चीज़ें, क्या क्या एसेंशियल चीज़ें आपकी सैंपल में होनी चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट इज रिप्रेजेंटेटिव। कहते हैं जो आपका ने जो सैंपल सेलेक्ट किया है, जैसे मैंने डीमेरिट्स में हमने अभी पढ़ा कि कई बार रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता ना आपका सैंपल, तो फर्स्ट पॉइंट वो होगा कि जो आपका जो आपने सैंपल कलेक्ट किया है वो एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होना चाहिए। कहते हैं आपने जो सैंपल सेलेक्ट किया है वो आपके टॉपिक की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी है ना उसको वो रिप्रेजेंट करने वाला होना चाहिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट है इंडिपेंडेंट। अब जो आपके आपने जो सैंपल कलेक्ट किए हैं ना वो क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ना कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए। लाइक अगर ये चीज़ मैंने एक सैंपल उठाया तो ये नहीं वो एक सैंपल दूसरे के होने से पूरा हो, ऐसी नहीं, अपने दोनों में जो वो सैंपल्स हैं वो इंडिपेंडेंट सैंपल होने चाहिए, ना कि एक दूसरे पर डिपेंडेंट होने चाहिए, सो दैट आपका कंक्लूजन अच्छा आ सके। ये ना हो कि अगर आपका सेकंड वाला कंक्लूजन गलत आ रहा है तो उस अगर आपने डिपेंडेंट लिए तो आपका सारा स्टैटिस्टिक्स गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपके जो सारे तो आपके सारे जो सैंपल है वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब है कि आपने जो सैंपल सेलेक्ट किया है वो क्या हो, वो होमोजीनियस हो। लाइक अगर आप किसी की कम्युनिटी के ऊपर अपना जो है डाटा तैयार कर रहे हो तो वो सारी कम्युनिटी के लोग होने चाहिए, ये नहीं कि आपने बीच में कोई और ही लाइक किसी की एज लेके आ गए, किसी की वेट लेके आ गए कम्युनिटी के अंदर ही नहीं। अगर आप सिर्फ कम्युनिटी या फिर आप सिर्फ राइस के ऊपर जो जो एग्जाम्पल या सिर्फ राइस के ऊपर सर्वे करो तो सिर्फ आप राइस को कंसिडर करो और सिर्फ राइस एक जैसे हों, ये नहीं कि आप डिफरेंट राइस लेके आ रहे हो और फिर उसको कुक कर रहे हो फिर आपका जो है सैंपल अच्छा बन ही नहीं रहा क्योंकि आप तो इन सैंपल निकाला चेक किया वो चीज़ सही नहीं निकली। अब आगे है एजुकेसी। एजुकेसी में क्या है कि जो आपका कहते हैं जो डाटा है वो पूरा एडुकेट होना चाहिए। अगर आपका डाटा अच्छे से एडुकेट है तो वो डाटा आपका रिलायबल भी होगा एंड देन फिर एक्यूरेट भी होगा। तो ये थे इसके एसेंशियल, आई होप ये आपको समझ लगे होंगे। आगे है मेथड ऑफ सैम्पलिंग। तो मेथड ऑफ सैम्पलिंग जो है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि ये वाली वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप ये आप सभी को जो यहाँ तक हैं समझ लगा होगा। इफ़ यू हैव स्टिल एनी डाउट देन यू कैन आस्क इट फॉर मी, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू आंसर्स। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे चैनल को दैन वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट कि हम जल्दी से 1K जो है वो कंप्लीट करें अपने सब्सक्राइबर। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।